हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कंसेप्ट हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं एक इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, ठीक है। अब एक बहुत दुखद समाचार जो कल हम सबने रात को देखा, वो था एयर इंडिया का एक एक्सप्रेस प्लेन, जो वंदे मातरम फ्लाइट्स जो इंडियन गवर्नमेंट कैरी ऑन कर रही थी, ताकि जो इंडियंस आउट ऑफ इंडिया रह रहे थे, और बिकॉज ऑफ द कोरोना सिचुएशन आप सब जानते हैं कि सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक ऑपरेशन चला रही थी जिसमें जो इंडियंस वापस इंडिया आना चाहते हैं उनको इंडिया लाया जा सके, ठीक है। तो ऐसा ही एक वंदे मातरम एक्सप्रेस का एक प्लेन जो एयर इंडिया का था, वो कल क्रैश हो गया कोझिकोड केरला में, ठीक है। और उसके क्रैश होने के दो कारण, एक तो टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप सिचुएशन जो कोझिकोड एयरपोर्ट की है, और दूसरा वेदर सिचुएशन, जिसको अभी तक ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है इस क्रैश के लिए, इस पर्टिकुलर क्रैश के लिए। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन दो सिचुएशंस की वजह से ये क्रैश हुआ। फिर हम एक, जब भी कोई एयरप्लेन क्रैश होता है ना, एक वर्ड आपको ज़रूर आपके न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, और वो है ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बाय द एंड ऑफ आर लेक्चर हम ये दो चीज़ें अच्छे से कवर कर लेंगे। हमारे प्री के अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से इजीली कवर हो जाएंगे, और मेंस में भी आपको थोड़ा सा एक इनसाइट जो है यहाँ से मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसिडेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या इंसिडेंट था। तो प्लेन क्रैश हो गया केरला में, अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी खबर थी ये कल की। तो प्लेन क्रैश हुआ, जिनको नहीं पता, प्लेन क्रैश हुआ केरला में, केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट में, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ रात के समय, और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट थी। इसमें कुछ 190 लोग जो थे फ्लाइट के अंदर थे, और ये अपने आप में इस तरह का एक मेजर एक्सीडेंट है 2010 के बाद। 2010 में भी मंगलुरु एयरपोर्ट पे इसी तरह का क्रैश हुआ था, और वो 2010 का जो क्रैश था उसमें तो सारे लोग मर गए थे, ठीक है, उसको भी हम अभी देखेंगे। तो एयर इंडिया का ये बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट था जिसको, जो कल क्रैश हुआ है, और आपने इसकी इमेजेस भी देखी होंगी। अभी मैं अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा, हालांकि मैंने आपको इमेज पहले भी अभी यहाँ पर शो की है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये प्लेन है ये दो हिस्सों में टूट गया है, दो हिस्सों में ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है ये टूट के पूरा दो हिस्सों में टूट गया है, और टेबल टॉप रनवे की वजह से, जैसे मंगलुरु में जो क्रैश हुआ था वो भी टेबल टॉप रनवे की वजह से हुआ था, और कोझिकोड में होने वाला क्रैश भी टेबल टॉप रनवे की वजह से ही हुआ है, ठीक है। अगर आप देखें, अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को देखेंगे, तो क्योंकि रनवे छोटा होता है, टेबल टॉप रनवे जो होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से, और बारिश भी हो रही थी, तो वो एयरप्लेन जो है स्लिप हो गया, एंड इट वेंट 35 फीट डाउन द स्लोप, ठीक है, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट दो हिस्सों में टूट गया। अब अगर आप कोझिकोड एयरपोर्ट को देखें, देन दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट इज सराउंडेड बाय डीप गॉजेज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे अगर ये रनवे चल रहा है तो रनवे के दोनों तरफ डीप गॉजेज हैं, रनवे के दोनों साइड में खाई है, ठीक है। अब टेबल टॉप रनवे क्या होता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। टेबल टॉप रनवे को जनरली बनाया कैसे जाता है, एक हिल के ऊपर, एक हिल एरिया में, जैसे अगर आप देखो ये एक हिल है, ठीक है, तो हिल में ऊपर के हिस्से को चॉप करके उसको फ्लैट करके रनवे बनाया जाता है, ठीक है। हिली एरियाज़ में ही आपको ये टेबल टॉप जो रनवेज हैं ये देखने को मिलेंगे, और इन एयरपोर्ट्स पे जो लैंडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होती है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम होता है, मार्जिन बहुत कम होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल प्लेन यहाँ तक आके आपको रुकना ही रुकना है, एंड ऑफ रनवे है, मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप दिल्ली जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चले जाओ, वहाँ पर बहुत लंबे लंबे रनवेज हैं, ठीक है। तो अगर पायलट ने थोड़ी लेट लैंडिंग भी की रनवे के ऊपर तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये रनवेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर लैंडिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर टाइमली और प्रॉपर स्पीड के साथ, और रनवे पे प्रॉपर प्लेस पे आपको लैंडिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपका प्लेन जो है वो टाइमली रनवे के ऊपर रुक जाए, नहीं तो वो खाई की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ जो है आपके इस कोझिकोड एयरपोर्ट एयरप्लेन इंसिडेंट के साथ भी हुई, ठीक है। अब अगर आप ये वाला रनवे देखो, ये जो टेबल टॉप रनवे है, कोझिकोड का टेबल टॉप रनवे है जो शो किया गया है, यहाँ पर ये इस तरह से फ्लाइट आई, और ये यहाँ पर इतना रनवे था, ठीक है। अल्टीमेटली ये रनवे पर ये प्लेन रुक नहीं पाया बिकॉज ऑफ फास्ट स्पीड, और ये स्किट करके
जो है यहाँ पर क्रैश हो गया, जैसा कि आप सबने इमेजेस में देखा है। अब ऑफिशियल्स जो हैं, जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ऑफिसर्स हैं, उनका ये मानना है अभी तक जो प्रीलिमिनरी एनालिसिस है, बाकी जो मेन एनालिसिस हैं वो रिपोर्ट आ जाने के बाद और ब्लैक बॉक्स एनालिसिस के बाद ही निकाले जाएंगे। तो अभी तक जो प्रीलिमिनरी एनालिसिस है उसमें सिविल एविएशन के ऑफिसर्स का ये कहना है कि जो एयरक्राफ्ट है वो जब उसने रनवे को टच किया तब उसकी स्पीड यूजुअल स्पीड से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पायलट के पास कम समय था उसको स्लो करके टाइमली रोकने का। और दूसरा कारण था वेदर। क्यों रीज़न था? क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज़, अगर आपने कल भी देखा हो तो पुअर वेदर वॉज ऑल्सो द रीज़न बिकॉज ऑफ विच दिस इंसिडेंट हैपन्ड। ठीक है, अब एक तो जब रेनी सीज़न होता है तब लैंडिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए अगर आप देखो न्यूज़ में आपने सुना होगा शायद, अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया है, तो पहले अटेम्प्ट में इसको लैंड नहीं किया गया था, पहले अटेम्प्ट में लैंड करने की कोशिश की तो लैंडिंग फेल्ड, फिर वो दोबारा से चक्कर लगा करके आया। तभी ये, अगर आप जो मैप है अगर आप इसमें देखो, यहाँ पर ये आप मैप को देखो, ये फ्लाइट मैप दिखाया गया है, पहले दिस पर्टिकुलर प्लेन ट्राइड टू लैंड बट लैंडिंग फेल हो गई, तो वो वापस आया और वापस चक्कर लगा कर उसने लैंडिंग करने की कोशिश की इसी बुरे वेदर की वजह से, बुरे वेदर सिचुएशन की वजह से। अब होता क्या है, पानी बारिश के समय एक तो हो गया लैंडिंग मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती, दूसरी चीज़ क्या होती है, जब पानी गिरता है रनवे के ऊपर, डाउनपोर होता है, तो रनवे के ऊपर एक पानी की लेयर आ गई, सरफेस के ऊपर एक पानी की लेयर आ गई, इससे क्या होता है फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, जो टायर्स की जो लैंडिंग हो रही होती है, जो ब्रेक्स की फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है। और अगर एकदम से आप ब्रेक लगा दोगे ऐसे जब पानी की लेयर रनवे के ऊपर है, और अगर आप एकदम से बहुत तेज़ ब्रेक लगा दोगे तब भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि वो स्किड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको स्किड से भी बचाना है और उसकी स्पीड को टाइमली रोकना भी है, उसको टाइमली रोकना भी है, तो दोनों जो हैं बहुत मेजर चैलेंजेस हैं। अब देखो फुल ब्रेक्स वो लगा नहीं सकता पायलट, फुल ब्रेक्स वो इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि अगर उसने फुल ब्रेक लगा दी तो फ्रिक्शन कम है, वो स्किड कर जाएगा, प्लेन जो है स्किड कर जाएगा, तो वैसे भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट इस समय पर रोकना पायलट के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस में से एक बन जाता है। अब ऐसे कुछ और सिमिलर एयरपोर्ट्स भी हैं जहाँ पर आपकी टेबल टॉप रनवेज आपको देखने को मिलते हैं, कोझिकोड में है, मंगलुरु में है, मंगलुरु में जो 2010 में एयर इंडिया के साथ ही इंसिडेंट हुआ था, और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में आप ये लगा लीजिए अराउंड 157 जहाँ तक मुझे याद है 157 लोग थे और सबके सबकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो कम्प्लीटली क्रैश हो गया था, बर्नआउट हो गया था प्लेन पूरी तरह से। ठीक है, और ये मंगलुरु इंसिडेंट के बाद, इनफैक्ट 2010 में जब ये इंसिडेंट हुआ एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि जो ये टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर ब्रॉड एयरप्लेन्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ब्रॉड एयरप्लेन्स जो थोड़े बड़े एयरप्लेन्स होते हैं, जो थोड़े हैवी एयरप्लेन्स होते हैं, जिनका हैवी लोड होता है, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि जो हैवी लोडेड एयरप्लेन्स होते हैं उनको रुकने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है, ज़्यादा बड़ा रनवे चाहिए होता है। तो ये बात 2010 में कही गई थी। ठीक है, उसके अलावा लेंगपुई एयरपोर्ट है मिजोरम में, ये भी आपका एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, प्री के लिए जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी टाइप एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट कहाँ पर है, या मैच द फॉलोइंग में भी, और सिविल सर्विसेज में भी आजकल इस तरह के कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। पैक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम में है, और शिमला और कुल्लू में भी ऐसे टेबल टॉप एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2010 में जैसे कि मैंने आपको बताया एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन मंगलुरु में क्रैश हो गया था इसी तरीके से, और सारे के सारे 158 लोग जो थे इसमें उनकी डेथ हो गई थी। ये तो था इंसिडेंट, अब बात करते हैं ब्लैक बॉक्स की। अब आप आने वाले 2-3 दिनों में देखना न्यूज़पेपर में आपको ये टर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ब्लैक बॉक्स एक्चुअली में क्या होता है, दो ऑरेंज कलर के मेटालिक बॉक्सेज होते हैं, इनके अंदर बेसिकली रिकॉर्डर्स होते हैं, और ये जो सारा फिनोमिनन था ब्लैक बॉक्स का ये ओरिजिनेट हुआ 1950s में। जब 1950s में प्लेन क्रैश हुए तो इन्वेस्टिगेटर्स को बड़ी प्रॉब्लम आई, उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि प्लेन क्रैश का रीज़न क्या है, ताकि अब वो स्टडी कर सकें इस चीज़ को कि क्यों प्लेन क्रैश हुआ, क्या रीज़न था, क्या टेक्निकल फॉल्ट्स आए थे ब्लैक बॉक्स में, इसीलिए ये ब्लैक बॉक्स की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया ताकि ये पता किया जा सके कि अगर कोई एयरक्राफ्ट इंसिडेंट हुआ है तो वो किस कारण से हुआ है। अब इनिशियल डेज में जो ब्लैक बॉक्स था इसकी इन्फॉर्मेशन एक मेटल स्ट्रिप के ऊपर रिकॉर्ड की जाती थी, एंड आने वाले टाइम के साथ वहाँ पर मैग्नेटिक ड्राइव्स लगा दी गई। ठीक है, और अल्टीमेटली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रिफाइन होती गई अब मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल इन ब्लैक बॉक्सेस में किया जाता है। अब ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट होते हैं इसमें दो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, एक को बोला जाता है आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा होता है आपका फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है दोनों रिकॉर्ड करते हैं। अब जो आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है इसका काम क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है जो भी रेडियो ट्रांसमिशन हुए हैं या जो भी साउंड है कॉकपिट में,
चाहे वो पायलट और को पायलट्स की कन्वर्सेशन है या इंजन नॉइस है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। दूसरा होता है आपका फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर क्या रिकॉर्ड करता है, ये बहुत अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि एल्टीट्यूड, किस ऑल्टीट्यूड पर जो है प्लेन था, एयर स्पीड क्या थी उस समय, फ्लाइट हेडिंग, वर्टिकल एक्सेलरेशन, पिच, रोल, ऑटो पायलट स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो है आपका कौन डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है आपका फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ठीक है, अब बात यह है कि बहुत समय तक लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि अगर प्लेन क्रैश हो गया तो ब्लैक बॉक्स कैसे सर्वाइव करेगा। ठीक है, एक बॉक्स ही तो है, कैसे सर्वाइव करेगा। तो ब्लैक बॉक्स को इस तरह से बनाया गया है कि वो एयर क्रैशेस को सर्वाइव कर सके। ठीक है, पहली बात तो जो ये रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होती हैं, ये एक यूनिट के अंदर इनको स्टोर किया जाता है, जहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल जैसे कि स्टील और टिटेनियम से बनाया जाता है, और ये ऐसे मटेरियल हैं जो एक्सट्रीम हीट, कोल्ड और वेटनेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो, ताकि इन ब्लैक बॉक्सेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन ब्लैक बॉक्सेस को टेल एंड पर लगाया जाता है एयरक्राफ्ट के, क्योंकि वहाँ पर क्रैश का इम्पैक्ट जो है लीस्ट होता है। ठीक है, ताकि ब्लैक बॉक्सेस को भी लीस्ट इम्पैक्ट हो एयर क्रैश का। ठीक है, और कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर प्लेन जो है वाटर बॉडी में क्रैश हो गया, अब कैसे उसको ढूंढेंगे, ये भी एक बहुत लोगों के मन में, आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा कि अगर समंदर में प्लेन गिर गया, अब समंदर इतना बड़ा तो कैसे ब्लैक बॉक्स को ढूंढेंगे। तो समंदर में या वाटर बॉडीज़ में ब्लैक बॉक्स को ईजिली डिस्कवर किया जा सके, ईजिली ढूंढा जा सके, इसीलिए इन ब्लैक बॉक्सेज में एक बीकन लगाया जाता है। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स जो है सेंड करता रहता है कंटिन्यूसली 30 डेज तक, ताकि इसे ढूंढा जा सके। लेकिन कई बार ऐसा भी केस होता है जब इस टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढना नामुमकिन हुआ है, जैसे आपने आज से कुछ साल पहले मलेशियन एयरलाइन MH370 इसका क्रैश हो गया था, अराउंड 238 लोग थे इसके अंदर और सबकी सब डेथ हो गए थे। तो आज तक इस प्लेन का जो है ब्लैक बॉक्स डिस्कवर नहीं किया करा जा सका, जबकि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ ने अपना जोर लगा लिया था, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, US, यूरोप, सब कंट्रीज़ ने अपना जोर लगा लिया था, पर इस ब्लैक बॉक्स को डिस्कवर नहीं किया जा सका। ठीक है, तो कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लेकिन जनरली अगर कोई नॉर्मल सा क्रैश है तो उसमें वाटर बॉडी में से ब्लैक बॉक्स को डिस्कवर कर लिया जाता है। चलिए, आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर ऐसी वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और साथ ही आपको यहाँ पर हमारी जो हिंदू की सीरीज़ चल रही है, बाकी वीडियोस हैं, वो भी आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। जो वीडियोस हमारी होती हैं, दैट इज़ नॉट बेसिकली करंट स्पेसिफिक, करंट से रिलेटेड हम कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।